दोस्तों, जब से ड्रामा सीरियल दिलिस इर्तगुल उर्दू में आया है, तब से इस सीरियल ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम को अपना फ़ैन बना लिया है। वो बंदा जो पहले कभी तुर्की और उस्मानी सल्तनत को जानता तक नहीं था, इर्तगुल के आने के बाद हर एक इंसान का झुकाव तुर्की के उस्मानी सल्तनत की ओर हुआ और लगभग हर इंसान इसके इतिहास को जानना चाहता है। आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए इर्तगुल गाजी और इर्तगुल गाजी की जो फैमिली थी या फिर काई कबीला, उस ज़माने की जितने भी असली चीज़ें हैं और वो चीज़ें जो आज भी दुनिया में मौजूद हैं, उन सब चीज़ों को इस वीडियो के ज़रिए आप तक लेकर आए हैं। यानी आज हम आपको वो सारी चीज़ें दिखाएंगे जो इर्तगुल गाजी से जुड़ी है और तुर्की के म्यूज़ियम में मौजूद हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट आर्टिकल से ली गई है और कोई गलती हो जाने पर हम आपसे माफ़ी की उम्मीद रखते हैं। नूरगुल यानी तुर्गुत के कपड़े। ये जो ड्रेस म्यूज़ियम में मौजूद है, ये तुर्गुत के पहने हुए असली कपड़े हैं। तुर्गुत का कुल्हाड़ा। तुर्की के म्यूज़ियम में तुर्गुत का असली कुल्हाड़ा मौजूद है। ये तो सभी जानते हैं कि तुर्गुत ने तलवार के बजाय कुल्हाड़े को अपना हथियार बनाया और वही कुल्हाड़ा आज भी तुर्की के म्यूज़ियम में मौजूद है। इस कुल्हाड़े पर काई कबीले का निशान भी बना हुआ है। ये है इर्तगुल गाजी का स्टैचू। ये स्टैचू तुर्कमेनिस्तान के एशगाबाद में मौजूद है। इर्तगुल का ये शानदार स्टैचू वहाँ की गवर्नमेंट ने बनवाया है। तस्वीर में दिखाई देने वाली कालीन काई कबीले की औरतों द्वारा बनाई गई असली कालीन है। आप जानते ही होंगे कि काई कबीले की औरतें कालीन बनाकर हलब के बाज़ार में बेचने के लिए ताजिरों को दे दिया करती थी। साथ ही बगल में मौजूद है वो मशीन जिससे वे कपड़े की बुनाई करती थी। आपको तो पता ही होगा कि इब्न अल अरबी के संदूक में क्या था। अगर नहीं पता तो आई बटन पर क्लिक करके देख लें। बगल में दिखने वाली कमीज़ वही कमीज़ है जो इब्न अल अरबी ने इर्तगुल को दी थी। ये कमीज़ असली तो नहीं है, लेकिन हूबहू असली कमीज़ की कॉपी है। अब आपको जो स्टैचू दिख रहा है, वो स्टैचू हाइमा खातून का स्टैचू है। हाइमा खातून इर्तगुल गाजी की माँ और काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह की बीवी थी। स्टैचू में जो बच्चा इनके गोद में दिख रहा है, वो बच्चा इनका पोता उस्मान गाजी है। ये तलवार इर्तगुल गाजी की असली तलवार है और ये तलवार आज भी तुर्की के म्यूज़ियम में मौजूद है। ये तस्वीर इर्तगुल के बाद के दौर की है। ये तस्वीर 16वीं सदी के उस्मानी सल्तनत की है और ये उस ज़माने के असली हथियार हैं। ये है इर्तगुल गाजी की तस्वीर। इस तस्वीर के बारे में कुछ इतिहासकारों का दावा है कि ये तस्वीर असली है, लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता। साथ ही इस तस्वीर के बारे में भी कहा जाता है कि ये तस्वीर इब्न अल अरबी की है, लेकिन इस तस्वीर के असली होने के पक्के सबूत नहीं मिलते। तस्वीर में दिखने वाली तलवार उस्मान गाजी की असली तलवार है। उस्मान गाजी इर्तगुल गाजी के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे और उस्मान गाजी ने ही सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी थी। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी तस्वीर की ओर। ये जो स्टैचू है, ये इर्तगुल गाजी का स्टैचू है और ये तुर्की के म्यूज़ियम में मौजूद है। इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें
ताकि आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।